इस बार का G20 समिट बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। इसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि बाली में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी इस बार के G20 समिट की, उसके दौरान जो G20 प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को सौंपी जाएगी। तो आखिर G20 है क्या और G20 प्रेसिडेंसी क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ नेहा वशिष्ठ, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं कि आखिर G20 होता क्या है। तो जैसे कि इसका नाम है G20, G20 का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। इस फोरम में जितनी भी कंट्रीज हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज वाली कंट्रीज हैं। इसमें एक और बात ध्यान देने की यह है कि G20 रिप्रेजेंट करता है 80% वर्ल्ड GDP को, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को और 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को। इस फोरम की शुरुआत 1999 में की गई थी, जब 97 से 99 के बीच में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उससे निपटने के लिए इसको एक मीटिंग की तरह बेसिकली स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक ईयरली कॉन्सेप्ट बना दिया गया था। तो अब जानते हैं कि G20 का आखिर पर्पस क्या है। तो G20 का पर्पस है कि इंटरनेशनली जो भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो या वॉर सिचुएशंस हो, उन सबको मिलकर G20 की जितनी भी कंट्रीज होती हैं उन्हें वो बेसिकली सॉल्व करती हैं, उससे रिलेटेड पॉलिसीज या उससे रिलेटेड डिस्कशंस इस पर किया जाता है। कंट्रीज की बात करें तो G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन आते हैं। इसके साथ स्पेन को एज अ परमानेंट गेस्ट भी इनवाइट जाता है। तो अब बात करते हैं G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। तो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज G20 के अंदर आती हैं, उन कंट्रीज में से ही ये रोटेट होता रहता है और हर साल एक कंट्री को G20 की प्रेसिडेंसी दी जाती है। इसमें बेसिकली जिस भी कंट्री को दिया जाता है प्रेसिडेंसी, उसको अपनी प्रीडेसेसर और सक्सेसर कंट्री के साथ मिलकर इश्यूज पर काम करना होता है, और इसे ट्रॉयका भी बोलते हैं, यानी कि तीन कंट्रीज का जो कॉम्बिनेशन है उसे ट्रॉयका कहा जाता है। तो इस बार की जो ट्रॉयका कंट्रीज हैं वो है इटली, इंडिया और इंडोनेशिया। इस बार की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को हैंडओवर कर दी जाएगी, और इसकी जो ऑफिशियल थीम इंडिया ने रखी है वो है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसका जो ऑफिशियल लोगो है वो भी PM मोदी ने रिलीज कर दिया है। तो ये था G20 समिट के बारे में सब कुछ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।